Hey, what's up guys, this is Abhishek. Friends, थोड़े दिन पहले मैंने अपने चैनल पे Poco X2 यहाँ पे रेंट पे लेके अनबॉक्सिंग किया था, बट फाइनली ये आ चुका है मेरा खुद का यहाँ पे Poco X2 यहाँ पे रिटेल यूनिट, यहाँ पे बोल सकते हैं कि फाइनली हो चुका है, मैंने ले लिया है इस Poco X2 को। और आज के इस वीडियो में मैं खुद के लिए हुए Poco X2 का अनबॉक्सिंग और एक रिव्यू करूँगा और दिखाऊंगा कि कैसा ये यहाँ पे देखने को मिलता है हमको। ये है हमारा Poco X2, कुछ इस तरीके दिखता है बॉक्स। यहाँ पे Poco X2 करके लिखा गया है और यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इसका फीचर स्पेसिफिकेशन यहाँ पे मेंशन किया गया है बॉक्स में क्या क्या देखने को मिलता है। यहाँ पे कंटेंट्स और यहाँ पे कुछ भी नहीं। बैक पोर्शन की बात करूँ तो यहाँ पे कुछ इसका फीचर स्पेसिफिकेशन दिया गया है। तो चलिए हम बॉक्स को यहाँ पे क्विकली हम ओपन कर लेते हैं। तो ये है हमारा Poco X2 का बॉक्स, खुल जा सिम। तो यहाँ पे सबसे पहले देखने को मिलता है ये एक पाउच। यहाँ पे पाउच निकाल मैं दिखा देता हूँ क्या है इसके अंदर। एक यहाँ पे सिम पिन देखने को मिलता है और अंदर देखेंगे तो यहाँ पे कुछ पेपर वर्क हमको यहाँ पे देखने को मिलता है और साथ ही में एक यहाँ पे बैक केस कवर यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। बैक केस कवर आता है और उसके अंदर है हमारा ये यहाँ पे Poco X2 एटलांटिस ब्लू, यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ये कलर है यहाँ पे। तो फिलहाल इसको साइड में रख लेते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या कंटेंट्स है। यहाँ पे एडाप्टर देखने को मिलता है, जो कि बात करूँ इसकी रेटिंग की तो यहाँ पे 27 वॉट का यहाँ पे एडाप्टर है और साथ ही में मिलता है हमको एक यहाँ पे माइक्रो USB केबल यहाँ पे चार्ज करने के लिए। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, माइक्रो USB केबल आता है इसके साथ अंदर ही। तो ये तो था बॉक्स कॉन्टेंट। चलिए क्विकली सबको हटा के मैं मेन डिवाइस को यहाँ पे बीच में ले लेता हूँ। ये है हमारा फ्रेंड्स Poco X2, यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। सबसे पहले हम डिवाइस की ओवरव्यू की बात करें तो फ्रंट में हमको यहाँ पे देख ये फुल व्यू डिस्प्ले देखने को मिलता है एक डुअल पंच होल के साथ, जो कि आता है 20+2 मेगापिक्सल के यहाँ पे कैमरा के साथ। 20 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है और एक देख लीजिए जो डिस्प्ले है वो बहुत ही अच्छा है। IPS पैनल वाला डिस्प्ले कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन के साथ आता है, बट यहाँ पे जो डिस्प्ले साइज है वो बहुत ही बड़ा यहाँ पे देख सकते हैं, एक्सपेक्ट रेशियो के साथ आता है और लुक एंड फील वाइज होल्ड वाइज बहुत ही अच्छा यहाँ पे देखने को मिलता है। राइट पोर्शन की बात करूँ तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और यहाँ पे देखने को मिलता है एक वॉल्यूम रॉकर्स और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से फिंगरप्रिंट सेंसर वर्क करता है। यहाँ पे मैंने फिंगरप्रिंट ऑलरेडी एनरोल कर लिया है, यहाँ पे मैं इसे बंद करता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं साइड माउंटेड पे मैं टैप करता हूँ और यहाँ पे देख लीजिए ओपन, इसको लॉक टैप अनलॉक, लॉक टैप अनलॉक, टैप अनलॉक। तो देख सकते हैं कि जो फिंगरप्रिंट स्कैनर बहुत ही क्विक, बहुत ही रिस्पॉन्सिव है, साइड माउंटेड है, बट यहाँ पे सिर्फ सिंपली आपको ऐसा टैप करना है और ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। देख लीजिए टैप ओपन, तो यहाँ पे देख लीजिए फिंगरप्रिंट स्कैनर, वो भी बहुत ही क्विक है। लेफ्ट पोर्शन की बात करूँ तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है सिम ट्रे और ऊपर पोर्शन की बात करूँ तो यहाँ पे मिलता है एक सेकेंडरी माइक्रोफोन यहाँ पे देखने को मिलता है और नीचे की बात करूँ तो यहाँ पे मिलता है 3.5 mm का जैक, यहाँ पे टाइप सी पोर्ट चार्जिंग के लिए, प्राइमरी माइक्रोफोन और स्पीकर ग्रिल यहाँ पे देखने को मिलता है। बैक पोर्शन की बात करूँ तो ये है हमारा 64 मेगापिक्सल का AI बोल सकते हैं कि क्वाड कैमरा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2+2 मेगापिक्सल का चार यहाँ पे सेंसर्स देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा रहता है। डिज़ाइन बाय ओप्पो करके यहाँ पे लिखा गया है फ्रेंड, देख लीजिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये देखने को मिलता है और जो बैक पैनल है वो बहुत ही अच्छा यहाँ पे देखने को मिलता है। नीचे की तरफ Poco लिखा गया, देख लीजिए कितना अच्छा यहाँ पे फिनिश बैक पैनल का यहाँ पे बनाया गया है और Poco ने इस बार डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत की और बहुत ज़्यादा बढ़िया इसका डिज़ाइन यहाँ पे लुक एंड फील वाइज देखने को मिलता है। बात करूँ यहाँ पे फ़ोन के कुछ सेटिंग्स की तो यहाँ पे हम चले जाते हैं फ़ोन के अबाउट सेक्शन में और मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे तो डिवाइस नेम Poco X2, यहाँ पे देखेंगे तो MIUI 11.0 पे ये काम करता है और यहाँ पे स्टोरेज ये है 8GB रैम 256GB वाला स्टोरेज। एंड्रॉयड वर्जन की बात करूँ तो ये देख सकते हैं एंड्रॉयड 10 के साथ यहाँ पे ये आता है, तो ये अच्छा है कि लेटेस्ट हमको यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन भी देखने को मिलता है। यहाँ पे बात करूँ स्टोरेज की तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये है 256GB वाला वेरियंट, 8GB रैम 256GB स्टोरेज और यहाँ पे देखने को मिलता है 234GB के आसपास हमको यहाँ पे अवेलेबल, बिकॉज मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे एप्लीकेशन डाल दिया इसकी वजह से थोड़ा बोल सकते हैं कि सिस्टम यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा भर चुका है, बट यहाँ पे फिर भी बोल सकते हैं 256GB स्टोरेज यहाँ पे अच्छा खासा वेरियंट देखने को मिलता है। तो ये तो था फ़ोन का कुछ अबाउट सेक्शन, कुछ इस तरीके से देख लीजिए यहाँ पे ऐप ड्रॉवर देखने को मिलता है और फ़ोन यार बहुत ही कमाल का यहाँ पे लग रहा है। ये मतलब यूजुअली जो शाओमी के फ़ोन रहते हैं उससे ये बहुत ज़्यादा अलग है, मतलब लुक एंड फील वाइज जो ये डिस्प्ले है वो बहुत ही अच्छा है और एक चीज़ जैसे
मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स, ये है इसका डिस्प्ले, यहाँ पे 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट तक आप इसे लेके जा सकते हैं। ये देख लीजिए 60 हर्ट्ज, यहाँ पे 120, तो ये अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे मैं 120 कर देता हूँ। देख लीजिए बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है 120 पे। यहाँ पे आप खुद यहाँ पे जब यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये काम करता है। मैं बात करूँ यहाँ पे इसकी बैटरी की, तो 4500 mAh के बैटरी बैकअप के साथ आता है, साथ ही में 27 वॉट का यहाँ पे अडाप्टर देखने को मिलता है। तो ये बोल सकते हैं जो बैटरी बैकअप है वो बहुत ही बड़ा है, साथ में अडाप्टर भी अच्छा खासा देखने को मिलता है। ये है इसका कैमरा। कैमरे की इंटरफेस की बात करूँ तो फोटो वीडियोज़ की बात करूँ तो यहाँ पर ये जो वीडियोज़ निकालता है, ये फ्रेंड्स निकालता है 1080p 4K वीडियोस तक ये शूट करता है। यहाँ पे देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलता है ऊपर की तरफ, जहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये देख लीजिए 4K 720p 1080p 60fps, और ये 4K वीडियोस भी यहाँ पे 30fps तक के यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स हम लोगों को कि 4K वीडियोस भी हम यहाँ पे शूट कर सकते हैं। और यहाँ पे 64 megapixel का डेडिकेटेड दिया गया है, पोर्ट्रेट, नाइट, पैनारोमा और बहुत सारे ऑप्शन हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये देख लीजिए कुछ इस तरीके से, और शॉर्ट वीडियो भी देखने को मिलता है 15 सेकंड का, कि अगर आपको जनरली पोस्ट करना है सोशल मीडिया पे तो आप शॉर्ट वीडियो डायरेक्टली फ़ोन के डिफॉल्ट कैमरा से निकाल लीजिए। फ्रंट कैमरे की बात करूँ तो यहाँ पे वीडियोज़ देखेंगे तो फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे फ्रंट कैमरा का जाता है 1080p 30fps तक फ्रंट कैमरा का यहाँ पे वीडियो क्वालिटी हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये देख लीजिए जो फ्रंट कैमरा है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। फ्रंट कैमरा में फोटो 64 मेगापिक्सल फ्रंट, बेसिकली फ्रंट कैमरा 20+2 मेगापिक्सल के साथ ही आता है। तो यहाँ पे देख लो कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलता है फ्रंट कैमरा यहाँ पे AI वाला। तो चलिए क्विकली मैं एक दो सैंपल शॉट्स निकाल के आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलता है इसका फ्रंट कैमरा या फिर रियर कैमरे का कुछ इमेजेस। तो ये इमेज आप देख रहे हैं ये रियर कैमरे से निकाला गया है Poco X2 के, यहाँ पे बोल सकते हैं बैक कैमरे से पोर्ट्रेट मोड, और ये यहाँ पे नॉर्मल फोटो निकाला गया है। तो जो क्वालिटी मिल रहा है वो बहुत ही क्रिस्प क्लियर देखने को मिल रहा है। ये यहाँ पे फ्रंट कैमरे से निकाला गया है पोर्ट्रेट के साथ, तो यहाँ पे एज डिटेक्शन भी बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, ये नॉर्मल फोटो निकाला गया है। तो ये देख लीजिए कैमरे का ओवरऑल इन डेप्थ, मैं कैमरे का भी रिव्यू करने वाला हूँ, गेमिंग रिव्यू भी करने वाला हूँ इस फोन का। आपको बस स्टे ट्यून करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और यही है इसका अनबॉक्सिंग रिव्यू फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छा यहाँ पे कॉम्पैक्ट डिज़ाइन, कॉम्पैक्ट फ़ोन यहाँ पे बनाया गया है पोको की तरफ से, और बहुत ज़्यादा प्रीमियम यहाँ पे लुक एंड फील वाइज, होल्ड वाइज यहाँ पे देखने को मिलता है इस पोको X2 का। सो फ्रेंड्स आई होप आपको इस पोको X2 के अनबॉक्सिंग और एक रिव्यू जो कि मैंने लिया है इसका यहाँ पे आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस फोन का आपको क्या क्या देखना है वो मुझे प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन बता दो। सारा का सारा इस वीडियो में देखने को मिलेगा। बस बने रहिए टेक्नोलॉजी चैनल के साथ, बोलते रहिए जय हिंद, पीस आउट।